नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक। यहां हम आपको केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर को लेकर करते हैं पूरी पड़ताल, पहुंचते हैं खबर की तह तक। शुरुआत बड़ी खबर से कर रखे हैं, खबर चंडीगढ़ से है। कोरोना के नए वेरियंट को देखते हुए प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी जाती है, भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की हिदायत दी जाती है। अस्पतालों में सभी को मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसे 7 दिन के लिए आइसोलेट होना होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों के लिए हिदायतें जारी कर दी है, तो मास्क पहनने की सलाह प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। क्योंकि देखिए, कोरोना के नए वेरियंट ने दस्तक दी है। केरल में एक महिला में इस वेरियंट को पाया गया और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि कहीं एक बार फिर से कोरोना एक्टिव ना हो जाए। ऐसे में कोरोना को लेकर एहतियात बरतनी होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, चंडीगढ़ प्रशासन ने सलाह दी है लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं नए वेरिएंट को लेकर एक दहशत का माहौल है, क्या कुछ और बड़े कदम भी उठाने के आसार? जी बिल्कुल आरती, आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। पहले लोगों ने सोचा था कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, ये बात बिल्कुल सही है। पर जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे थे जिंदगी में, क्योंकि पिछले दिनों में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो हमने बंदी भी देखी, हमने देखा कि कोरोना को लेकर के किस तरह से सारी चीजें एकदम से बंद कर दी गई थी, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चल रही थी, तो वो दौर भी सभी ने देखा है। तो ऐसा लगा था कि शायद मास्क के साथ ही सारी जिंदगी रहना होगा, पर समय बीता तो कोरोना को लेकर के हम लोग फिर से निश्चिंत हो गए थे। पर एक बार फिर से अब कोरोना का जो नया वेरिएंट JN.1 सामने आया है उसने लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि एक बार फिर से मास्क जो है लौट आया है। फिर से वही पुरानी जो पहले भी हिदायतें दी गई थी उनको दोहराया जा रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो भी अलर्ट है। हालांकि चंडीगढ़ में केसेस नहीं मिले हैं, पर जिस तरह से पूरे देश में केस देखने को मिले हैं उसको देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि भीड़भाड़ वाले इलाके पर, यानी कि खुले इलाके में, कहीं पर बाजार है, कहीं पर अस्पताल है, ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है चंडीगढ़ में भी। और आपको यह भी बता दें कि अगर आप अस्पताल में हैं, आपका कोई मरीज अस्पताल में है, तो वहां पर आप उसकी देखभाल के लिए जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, तो अस्पताल में जो लोग हैं उनके लिए भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा जो कॉमन ड्यूटीज आती है एक आम आदमी की आती है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, एक दूसरे से ध्यान रखना है, अगर खांसी जुकाम है उसका जो ध्यान है वो खुद ही ना रखें बल्कि डॉक्टर के पास जाएं अगर ज्यादा सीवियर केस लगता है, क्योंकि इसके जो लक्षण है वो भी पहचान में नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल जैसा मौसम चल रहा है कि हम गर्मी से ठंड की ओर बढ़ रहे हैं, तो वायरल होना, खांसी जुकाम होना आम प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इनको सीरियसली थोड़ा सा लें और डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाएं। अगर डॉक्टर जरूरी बताता है तो RT-PCR भी जरूर कराएं। आपको यह भी बताएं कि चंडीगढ़ के साथ लगते पंजाब और हरियाणा में भी एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं पर हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उनकी तरफ से भी हिदायतें दी गई हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन ज्यादा लगता है तो हरियाणा में खांसी जुकाम और बुखार के चलते भी RT-PCR जो है वो करवाया जा सकता है। जी आरती। अच्छा देखिए हरसिमरत, देश ने वो दौर देखा है जब कोरोना की चाइना के रास्ते देश में एंट्री हुई थी और लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे, चिताओं की तस्वीरें लगातार वायरल हुई थी, अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत थी। ऐसे में ज्यादा जरूरत इस बात की है कि नए वेरिएंट के पूरी तरह से फैलने से पहले ही तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं अस्पतालों में नजर आ रही हैं, कितना मुस्तैद आपको स्वास्थ्य महकमा नजर आता है? जी बिल्कुल, जब दस्तक हुई कोरोना की भारत में तो एक बार फिर से अलर्ट मोड पर डाल दिया गया था सभी हेल्थ विभागों को, तो उसके बाद एडवाइजरी जारी की गई थी। आपको बताएं कि हरियाणा में जो मॉक ड्रिल है उसकी तैयारी की जा रही है कि कोरोना को लेकर के अलग से फिर से अस्पताल जो हैं वो रिजर्व कर दिए जाएंगे, अलग सेक्शन इसमें रिजर्व कर दिए जाएंगे, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है वो सारी जगह, और सेम ऐसे ही पंजाब में भी इसी तरह को लेकर के मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। वहां पर भी कुछ अस्पताल जो है वो रिजर्व रखने के लिए कहा गया है, उनके कुछ विभाग ICU और सुविधाओं से लैस होंगे, ऑक्सीजन के साथ लैस होंगे, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत, अगर ज्यादा परेशानी आती है, कोरोना के केसेस अगर बढ़ते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी देश के कुछ ही जगहों पर ये केसेस, हालांकि केरला में ज्यादा केसेस सामने आए हैं, दिल्ली में कुछ एक वेरियंट सामने आए हैं, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा अभी इन चीजों से बचा हुआ है, पर फिर भी यहां पर हिदायतें जारी कर दी गई और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। चलिए हरसिमरत, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट से अब दहशत देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, और एक बड़ी खबर है केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल खूंगा। कल राजस्थान में जिस तरह से हमने देखा था कि कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, अलग अलग राज्य में प्रदर्शन हो रहा है, तो अब राजभवन का घेराव की तैयारी उत्तराखंड में भी कर रही है कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस अब लगातार
विरोध प्रदर्शन कर रही है। राज्यसभा से विपक्षी दलों के सदस्यों के निलंबन का ये मुद्दा है। 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ये प्रदर्शन करेगी और विरोध प्रदर्शन होगा कल। प्रदेश के सभी जिला और महानगर मुख्यालयों में ये प्रदर्शन होगा। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अगुवाई में राजभवन का घेराव किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाना है, किस तरह का ये प्रदर्शन होगा? देखिए, विपक्ष नाराज है। जो सांसद हैं विपक्ष के, उनको निलंबित किया गया है। हालांकि आज जो सांसद हैं वो प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में, लेकिन कल का वक्त रखा गया है। और क्योंकि बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन होगा, राज्य जितने भी हैं तमाम देश भर में सभी जगह विपक्ष प्रदर्शन करेगी। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस इकट्ठा होकर के जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस भवन से चलेंगे और राजभवन, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास से थोड़ा सा पहले ही पड़ता है राजभवन, यहाँ के घेराव का एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है। करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आह्वान में, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। हालांकि प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की है, क्योंकि काफी पहले ही करीब 800 मीटर पहले ही बैरिकेटिंग को अभी से लगा दिया गया है और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको संभावित उसी स्थान पर रोक लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आज प्रदर्शन दिल्ली में है और दिल्ली के प्रदर्शन का इंतजार किया जा रहा था, विपक्ष एक रणनीति बना रहा था और विपक्ष खासा नाराज है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जो विपक्ष के सांसद हैं उन सबको निलंबित कर दिया गया है। और वजह उसके पीछे कि आप जानते हैं कि जो वीडियो है उसके ऊपर। लेकिन अब बात है कि किस तरह से विपक्ष अपनी बात को रखेगा, क्योंकि सदन से वो निलंबित हैं और विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा, इस तरह का आरोप विपक्ष का है। तो विपक्ष की बड़ी तैयारी है, सबसे आह्वान किया गया है, सोशल मीडिया के जरिए आह्वान किया गया है। जो विपक्ष का पेज है या फिर कांग्रेस का पेज है, अलग अलग कार्यकर्ता एक दूसरे से अपील कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से कि वो सब इकट्ठा होकर के और राजभवन के घेराव की तैयारी करेंगे। जी राव शफात, तो अब देखिए हम कांग्रेस का प्रदर्शन आज के दिन देखने वाले हैं और लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार सांसदों के इस निलंबन को लेकर प्रदर्शन कर रखी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर पर आपसे रब्ता होगा। तो एक और खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की हटाई गई बाध्यता। राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र वालों के लिए ये बाध्यता हटा दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र वालों को नहीं जमा करवाना होगा स्थायी निवास प्रमाण पत्र। सरकारी योजनाओं के शैक्षणिक संस्थान एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में मूल निवास वालों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने की शिकायत मिल रही थी और इसी को लेकर ये कदम उठाया गया है। जी राव शफात, जिस तरह से स्थायी प्रमाण पत्र को लेकर कुछ नियमों में बदलाव देखने को मिल रहा है, इसके पीछे मूल वजहें क्या नजर आती है और कितना फायदा आम लोगों को मिलता नजर आएगा? देखिए, बड़ी राहत है और क्योंकि शिकायतें मिल रही थी, मुख्यमंत्री को भी शिकायतें मिल रही थी कि जिनका स्थायी प्रमाण मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है उनसे जो सरकारी विभाग हैं या सेवायोजन कार्यालय हैं या दूसरी जो सरकारी योजनाएं, वहां अधिकारी उनसे जो स्थायी प्रमाण पत्र है उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो अब ये बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसको राज्य सरकार ने, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब संज्ञान लिया तो दिशा निर्देश जारी किए थे और शासन ने इसका जीओबी जारी कर दिया कि अब जिनका मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है उनको अस्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं रहेगी और ये सख्त आदेश दिए गए हैं। इसके लिए शासन ने जो है निर्देश जारी भी कर दिए हैं। और बड़ी बात यह है कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र थे, क्योंकि 1950 में ये इसकी शुरुआत हुई थी और सभी राज्यों ने मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने शुरू किए थे, लेकिन उत्तराखंड क्योंकि करीब 23 साल पहले वजूद में आया था और 9 नवंबर 2000 को वजूद में आया था, लेकिन 2001 से पहले जो लोग यहाँ रह रहे थे 2001 तक, तो उसके बाद जो अस्थायी प्रमाण पत्र है उसकी व्यवस्था शुरू की गई थी। अब यहाँ दो प्रमाण पत्र बनते थे, पहला तो एक मूल निवास प्रमाण पत्र, दूसरा अस्थायी प्रमाण पत्र। तो मूल निवास प्रमाण पत्र जिनके बने हुए थे उनको ये दिक्कतें आ रही थी और एक बड़े प्रदर्शन की 24 तारीख को तैयारी भी थी कि 24 तारीख को जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा, मूल निवास को लेकर के किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन राज्य सरकार ने उससे पहले ही ये बड़ा फैसला लिया है और बड़ी राहत दी। अब जो सरकारी योजनाएं हैं या फिर जो सरकारी नौकरियां हैं या दूसरे जो लाभ होते हैं सेवायोजन कार्यालय में अगर नाम चढ़वाना है वो, तो उसमें अब जो अस्थायी प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता नहीं होगी मूल निवास प्रमाण पत्र वालों को। अच्छा, देखिए आम लोगों को भी काफी इससे अब राहत मिलेगी, तो ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं जिनको लेने के लिए अब आम लोगों को कम से कम ये स्थायी प्रमाण पत्र वाली समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा?
देखिए अमूमन अक्सर सभी विभाग में स्थायी प्रमाण पत्र की डिमांड की जाती है। आप किसी भी अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम चढ़वाने के लिए लोग जाते हैं जो बेरोजगार हैं अपना नाम, तो वहां भी स्थायी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। जो दूसरे सरकारी लाभ होते हैं, सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकारी नौकरी होती है, स्थायी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों के पास मूल निवास प्रमाण पत्र था, क्योंकि 1950 की व्यवस्था थी, कुछ लोगों ने पहले ही बनाया था जब उत्तराखंड वजूद में नहीं था, उत्तराखंड नहीं भी बना था उसके उससे पहले ही मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ था। लेकिन जो अस्थाई प्रमाण पत्र है उसको लेकर के ये समस्या पैदा हो रही थी और यही शिकायत राज्य सरकार को मिली, मुख्यमंत्री को मिली, लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। कुछ जो लोग थे वो परेशान थे कि उनसे मूल निवास प्रमाण पत्र तो उनके पास है लेकिन अस्थाई प्रमाण पत्र की डिमांड की जा रही है, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड एक था उसको लेकर के नाराजगी थी। तो ये नाराजगी जो है अब बढ़ती जा रही थी, इसको लेकर के धरना प्रदर्शन की तैयारियां चल रही थी। तो आम जनता को देखिए राहत है, उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं 2001 से पहले उनको भी लाभ है, जो पुराने लोग यहाँ रहते हैं उनको भी लाभ है। अब ये जो बाध्यता है इसको खत्म किया गया है। चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा दौरा आज है, कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गीता जयंती महोत्सव में यहाँ पर शिरकत करेंगे जेपी नड्डा, गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा आरती स्थल पर महाआरती में शामिल होंगे। 23 दिसंबर को गीता जयंती का यहाँ पर समापन समारोह होगा, और आपको बता दें कि गीता जयंती के इस पूरे समारोह के दौरान खास व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से व्यवस्थाएं बेहद खास हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है, ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं गीता जयंती समारोह में, क्या कुछ इसको लेकर तैयारियां नजर आती है, किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम उनका रहेगा यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, आरती अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के अगर हम बात करें तो न सिर्फ हरियाणा या देश की अगर हम बात करें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव को मनाने को लेकर के एक शुरुआत जो है मौजूदा सरकार की तरफ से की गई थी। इसी को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कुरुक्षेत्र में, क्योंकि इसको लेकर के कुरुक्षेत्र से ही अगर हम बात करें गीता के ज्ञान को लेकर जो तमाम जो विषय है वो जुड़े हुए हैं, और इसी को लेकर के इसकी एक शुरुआत इस तरीके से की गई कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है वो मनाई जाए कि किस प्रकार से हरियाणा से ही जो गीता का जो ज्ञान है वो श्री कृष्ण की तरफ से दिया गया था। आज अगर हम बात करें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जो दौरा है वो पहले से ही निर्धारित है, वो भी यहाँ पर जो है नजर आएंगे। कल की अगर हम बात करें तो कल का जो कार्यक्रम है वो केंद्रीय गृह मंत्री का जो पूर्व निर्धारित है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से, इसको लेकर के जानकारी भी दी गई थी। और आज अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अपने आप में किस तरीके से ये पूरा जो नज़ारा है, पूरे तरीके से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को किस तरीके से सजाया गया है और वहाँ पर तमाम तैयारियाँ मुकम्मल होने के साथ साथ गीता से जुड़ी हुई, गीता के ज्ञान से जुड़ी हुई किस तरीके से ब्रह्म सरोवर पर जो आरती का है नज़ारा है वो रहता है, उन तमाम अगर हम बातों को ध्यान में रखते हुए कहें तो ना सिर्फ इसको लेकर के सिर्फ पॉलिटिशियन लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उसको लेकर एक उत्साह जो है वो देखने के लिए मिलता है, बल्कि बड़े स्तर पर अगर हम बात करें तो लोग भी इस गीता महोत्सव के अंदर हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। लोगों की भारी भीड़ जो है वो देखने के लिए मिलती है, और इसी को लेकर के अगर हम बात करें तो आज भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनकी तरफ से भी इस पूरे नज़ारे को यहाँ पर देखा जाएगा और किस तरीके से गीता के ज्ञान को लेकर के जो यहाँ की जो शुरुआत हुई थी उन तमाम विषयों को भी एक बार दोबारा से रिव्यू करने का काम जो है वो इस जगह पर पहुँचने पर या गीता महोत्सव जहाँ पर भी आयोजित होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें इसका आयोजन जो है समय समय पर सरकार की तरफ से भी किया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि आज भी उन तमाम जो गीता के ज्ञान से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उनको एक रिव्यू करने का मौका, इनको दोबारा से ये कह सकते हैं उनको सुनने का मौका जो है वो लोगों को मिलता है और नेता भी उन तमाम विषयों को जानने के यहाँ पर उनको मौका मिलता हुआ नजर आता है।
अच्छा जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर पर आपसे रब्ता होगा। अगली महत्वपूर्ण खबर दर्शकों को हम बता देते हैं कि हरियाणा के सरकारी डॉक्टर्स आज से काले बिल्ले लगाकर कार्य करेंगे। 26 दिसंबर तक काले बिल्ले लगाकर इनका काम होगा और अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध जताने का ये तरीका है। 27 दिसंबर को पूरे ओपीडी को बंद कर देंगे सरकारी डॉक्टर अगर मांगों को नहीं माना गया, नहीं सुना गया। 27 दिसंबर के बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो आपातकालीन सेवाएं करेंगे बंद। ओपीडी समेत 29 दिसंबर को आपातकालीन सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन की बैनर तले ये फैसला लिया गया है। डॉक्टरों की कोर कमेटी ने ये फैसला लिया है। एसोसिएशन की प्रमुख मांगे क्या है, ये महत्वपूर्ण है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की ओर से 4 प्रमुख मांगे रखी गई है। डॉक्टर के लिए विशेष कैडर का गठन, गतिशील सुनिश्चित करियर प्रगति ACP योजना लागू हो, SMO की सीधी भर्ती पर तुरंत रोक लगाई जाए, PG के लिए बॉन्ड राशि 1 करोड़ से 50 लाख किए जाने की मांग भी की गई है। रुख हम कर रखेंगे एक बार फिर से खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रखे हैं, पहले काला बिल्ला लगाकर सिर्फ विरोध जताएंगे फिर हड़ताल करेंगे, मांगे 4 ही रखी है, क्या लगता है सरकार की तरफ से इन मांगों पर कब तक विचार हो सकता है? देखिए बिल्कुल, ये जो हड़ताल का जो ऐलान किया गया है, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्जन एसोसिएशन जो है उसकी तरफ से ये ऐलान किया गया है और काले बिल्ले लगाकर के विरोध जताने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि इससे पहले भी वो अपनी मांग सरकार के समक्ष आरती रख चुके हैं और अब अगर हम बात करें 26 तारीख तक उनका इसी प्रकार से जो विरोध है वो जारी रहेगा। उसके बाद ओपीडी बंद करने की बात भी कही गई है। इसका किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं पर जो असर है वो पड़ता हुआ नजर आएगा, जहां ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा लोगों को किस तरीके की समस्या जो है वो हो सकती है आने वाले समय में, तो वहीं दूसरी ओर सरकार इसको लेकर के किस प्रकार का संज्ञान लेती है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो किसी तरीके से सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन विरोध जो है वो शुरू कर दिया गया है। 4 प्रमुख मांगे हैं, विशेषज्ञों डॉक्टर विशेषज्ञों का जो कैडर है वो यहाँ पर बनाया जाए, ACP जो है वो ACP की जो योजना है वो इसके अंदर लागू की जाए और SMO की सीधी भर्ती जो है वो नहीं किया जाए और 1 करोड़ रुपए का जो बॉन्ड जो है PG के लिए जो लिया जा रहा है उसे 50 लाख किए जाने की मांग जो है वो यहाँ पर की गई है। तो अब ये देखना है कि सरकार की तरफ से इसको लेकर के किस प्रकार से संज्ञान लिया जाता है, कोई बैठक बुलाई जाती है या इसको किस गंभीरता के साथ सरकार देखती है, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि अगर अभी से जो विरोध की बात कही जा रही है जिससे किसी प्रकार की कोई अड़चन या लोगों को समस्याएं नहीं है और 27 तारीख तक का ये समय जो है वो दिया गया है, 26 तक इस प्रकार से विरोध रहेगा, 27 तारीख को ओपीडी बंद करने की बात कही जा रही है, तो ये देखना होगा कि उससे पहले ही सरकार कोई बैठक करके कोई आश्वासन या फिर कोई चर्चा करके जो एसोसिएशन के लोग हैं उनके साथ इस मसले को किस प्रकार से हल करती है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर इससे पहले कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय के अंदर अगर ओपीडी बंद होती है तो आम लोगों को, गरीब लोगों को इससे बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि सरकारी अस्पतालों के अंदर अगर स्वास्थ्य सेवाएं अगर बाधित होती है, परेशानी होती है, तो उसे सबसे ज्यादा आम लोग और जो गरीब लोग हैं उनको बड़ी समस्या होती है। दूसरे जो प्राइवेट संस्थान है या फिर प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर दूसरे लोग भले ही उनको इलाज मिल जाता हो, लेकिन जो लोग इन सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर रहते हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये देखना है कि सरकार इस समस्या के आने से पहले किस प्रकार से समाधान करती है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जितेंद्र आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। बढ़ते हैं हिमाचल की तरफ। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज है, 3रा दिन इसका होगा और आज प्राइवेट मेंबर्स डे पर विधायकों की ओर से लाए जाएंगे संकल्प। नशे के कारोबार और बेरोजगारों के लिए नीति बनाने से जुड़े संकल्प लाए जाएंगे, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने से जुड़े संकल्प लाए जाएंगे, पर्यटन विकास से जुड़ा विधेयक भी सदन में पारित होगा। एड्स पर हिमाचल में विधायी फोरम गठन से जुड़ा सरकारी संकल्प भी लाया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दे सदन में गूंजेंगे। और ज्यादा जानकारी पर खबरें अभी तक के शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ धर्मशाला से लाइव जुड़े हैं। प्रदीप, विधानसभा के सत्र के दौरान आज कई महत्वपूर्ण बिजनेस होने हैं, कई महत्वपूर्ण कार्य होने हैं, क्या लगता है आज हम क्या कुछ विधानसभा में देखने वाले हैं? और जिस तरह से विरोध लगातार विपक्ष कर रहा था, एक हंगामा भी हमने देखा के, उस लिहाज से आज क्या तस्वीर बनती दिख रही है? बिल्कुल, देखिए शीतकालीन सत्र का 3रा दिन है और पिछले 2 दिन से हमने सदन के बाहर विपक्ष की तरफ से जो हंगामा किया गया है उसको देखा और इनके भीतर पिछले कल हंगामा हुआ। हालांकि 2 बार वॉकआउट सदन में
पिछले कल हुआ है, लेकिन इसके बाहर गारंटी लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आया। और अभी नेता प्रतिपक्ष राम ठाकुर विधानसभा पहुंचे हैं और जो अपोजिशन लॉन्च है वहां पर जो है वहां पर बैठक करेंगे और उसमें रणनीति तैयार की जाएगी कि आज का विरोध किस तरह का होना है, किस गारंटी को लेकर आज जो इस तरह से बीजेपी ने तरीका चुना है विरोध का, उसमें किस गारंटी को आज रखना है। तो जानकारी है कि दूध की गारंटी को लेकर आज प्रोटेस्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी विधायक दल की बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और उसमें ही तय होना है कि गारंटी कौन सी रहेगी जिसको चुना जाएगा या फिर आज कोई और रणनीति अपना विरोध दर्ज करेगा, ये देखने वाली बात होगी। सदन के भीतर की अगर बात करें तो 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और तस्वीरें आपको जरूर यहाँ की दिखाना चाहेंगे, सामने हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो धर्मशाला में है वो देख सकते हैं, तपोवन ये जगह है और यहाँ पर अभी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, स्पीकर कुलदीप पठानिया पहुंच चुके हैं और उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे। आज जो लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो चीजें हैं उसमें प्रश्नकाल शुरू होगा और प्रश्नकाल में बहुत सारे जनहित से जुड़े मुद्दे विधायकों की तरफ से पूछे गए हैं, उन पर मंत्रियों की तरफ से दिया जाना है, मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाना है क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने शाहपुर भी जाना है, तो लगभग 12 से 1 बजे तक मुख्यमंत्री सत्र में ही रहेंगे, उसके बाद उन्हें शाहपुर दौरे पर जाना है। इसके साथ साथ अगर बात करें आज क्योंकि सरकारी कार्य दिवस है, इसे प्राइवेट डे भी कहते हैं और इसमें बिल लाए जाते हैं विधायकों की तरफ से जिन्हें संकल्प भी कहा जाता है, तो उन संकल्पों को यहाँ रखा जाएगा। नशे का जो प्रदेश में प्रचलन बढ़ रहा है उसको लेकर एक संकल्प यहाँ पर विधायकों की तरफ से लाया जाएगा, उस पर चर्चा होनी है और नशे के कारोबार में युवा कैसे संलिप्त हो रहे हैं उसको लेकर सरकार नीति बनाए, सदन उस पर विचार करे, इस तरह का ये प्रस्ताव है और उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सभी अपनी बात कहेंगे और अंत में उस चर्चा का उत्तर जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से भी, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है तो वो इसका उत्तर देंगे और उसमें बड़ी बात यह रहेगी कि किस तरह का प्रदेश सरकार है नीति में परिवर्तन इसमें कर सकती है, तो काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं इस तरह की। और एक सरकारी संकल्प भी कर्नल धनराम शांडिल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से लाया जा रहा है कि जो एड्स है, एड्स की जो बीमारी है उसको देखते हुए एक विधायी फोरम बनाया जाए, इस तरह का प्रस्ताव है, उस पर भी आज चर्चा होनी, संभवतः आज उसको यहाँ पर पारित भी कर दिया जाएगा उस संकल्प को। और इसके साथ साथ आज क्योंकि और कोई ज्यादा बिजनेस आज नहीं है, लेकिन इसमें जरूर है कि पिछले कल एक विधेयक सदन में रखा गया था और उस विधेयक पर आज चर्चा होनी है, ये पर्यटन विकास से जुड़ा हुआ विधेयक है और उसमें चर्चा की जाएगी जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो होम स्टे है उन होम स्टे के जो अवैध तरीके से कई होम स्टे चलाए जाते हैं उन उनके लिए नियम जो है बनाए जा रहे हैं इसमें, और अगर अवैध तरीके से कोई होम स्टे चलता है उसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है, ये इसमें है और ये आज इसका पालन होना है। जी अच्छा, देखिए हमने ये देखा है कि विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है जिनमें गारंटियों का एक बड़ा मुद्दा है, कहा यह गया कि सरकार जिन गारंटियों को देकर बरी थी, जिसको लेकर की सत्ता में आए थे, अब उन्हें पूरा नहीं कर रखेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि आपदा का दौर था, गारंटियां हम धीरे धीरे से पूरा कर रखेंगे, क्या ये मुद्दा अभी भी राजनीति में हावी होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल की राजनीति में गारंटी का मुद्दा अब हमेशा रहेगा क्योंकि 5 साल तक ये मुद्दा रहेगा, चुनावी मुद्दा हम इसको कह सकते हैं और लोकसभा चुनाव में इसको बड़े स्तर पर बीजेपी रुलाने की कोशिश करेगी। और इसमें जो 10 गारंटियां तरफ से दी गई है उसमें बेशक सरकार का दावा है कि हमने 3 गारंटियां पूरी कर ली है और बाकी गारंटियां 5 साल की है, बारी बारी करके हम इन गारंटियों को पूरी करेंगे, लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने वाला नहीं है और इसमें बीजेपी ने जिस तरह से रुख, हमने सदन के भीतर का जो रुख हमने देखा उसमें भी सवाल पूछा जा रहा है, सदन के बाहर भी आक्रोश दिखाया जा रहा है और सदन के विधान बिल्कुल बाहर यानी आक्रोश रैली के जरिए भी, बाकी भी अपने बयानों के जरिए जहां पर भी बीजेपी का कार्यक्रम होते हैं वहां पर गारंटियों का सवाल पूछा जा रहा है, तो ऐसे में सरकार के लिए जरूर ये चुनौती है, लेकिन देखना ये होगा कि जो बड़ी गारंटियां हैं जिसमें महिलाओं को 1500 देने की बड़ी गारंटी है, रोजगार की एक गारंटी है, इन किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और कब शुरुआत होती है, यही वो गारंटियां हैं जिनका नाम लेकर चुनाव लड़े गए हैं।
बिल्कुल हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी गारंटियों के इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रखी है। उधर सत्ता पक्ष का कहना है कि धीरे धीरे कर हम गारंटियों को पूरा करेंगे, 5 साल के लिए आए गए। और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज के कार्यकाल के दौरान हम देखेंगे कि आखिर सदन में क्या फिर हंगामा होता के या कुछ बिजनेस भी होता के, और आज सदन की कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।